Hey guys, welcome back to the channel. क्या हाल है आप सबका? So guys, आज finally time आ गया है पुंटो की सर्विस करवाने का. So मैं जा रहा हूँ इसको लेके. बड़ी बेसिक से सर्विस करवाने वाला हूँ guys इस बारी मैं, क्योंकि लास्ट ईयर काफी मेजर सर्विस हुई थी इसकी एंड हर साल रिक्वायर्ड नहीं है. So इस बारी मैं guys शिफ्ट हो रहा हूँ फुल्ली सिंथेटिक मोटर ऑयल पे. So yeah guys, I bought this Motul 8100 X-cess fully synthetic 5W40 engine oil for this car. And guys, मैं इस साल डीजल फिल्टर भी चेंज नहीं करवा रहा क्योंकि उसकी लाइफ एक्चुअली ज्यादा है. हम लोग ही कम लाइफ में उसको बदल देते हैं कंपनी की वजह से. सो आई एम गोना चेंज दैट डीजल फिल्टर इन द नेक्स्ट सर्विस. सो इस साल बस हम एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर एंड इंजन ऑयल ही चेंज करेंगे एंड बड़ा ही मजा आएगा. सो चलो फटाफट पहुंचते हैं. मैं एक्चुअली सर्विस सेंटर नहीं जा रहा जो कंपनी का ऑथोराइज सर्विस सेंटर है, बट मैं जा रहा हूँ एक बड़े नोन बंदे के पास जो कि पहले टूली फिएट वजीरपुर में ही काम करता था. सो बढ़िया ना, मेन बंदा हमें चाहिए एक्सपर्ट. सो उसी के पास चलते हैं एंड फटाफट सर्विस करवाते हैं गाड़ी, आज मजा आएगा. लेट्स गो. सो ये मैं गाइस पहुंच गया हूँ आरके मोटर्स मोती नगर में. सो काम करते हैं, फटाफट गाड़ी लगाते हैं अंदर एंड सर्विस स्टार्ट करते हैं. सो ये लो हो गई है सर्विस हमारी स्टार्ट. जैकिंग अप यार, ये वाला जैक वैसे रहता था बहुत बढ़िया, एक सेकंड में गाड़ी उठा देता है. एंड सलमान भाई अपना एयर फिल्टर कवर खोल रहा है अभी. गाइस अभी फटाफट आपको एयर फिल्टर कवर दिखा दूँ, गाड़ी उठ जाए एक बारी. हालत देखना इस एयर फिल्टर की, ऑलमोस्ट 15,000 किलोमीटर के बाद ये कैसा है देखो, एकदम ब्लैकी ब्लैकी सा नए के सामने तो शिट है. एंड ये देखो हालत अंदर के साइड की, ये अंदर कैसे मिट्टी आया समझ नहीं आया आज तक. सो उसको भी फटाफट क्लीन कर देंगे तभी नया एयर फिल्टर लगाएंगे जो कि हम थोड़ी देर बाद ही लगाने वाले हैं. पहले इंजन ऑयल ड्रेन करेंगे एंड एयर ऑयल फिल्टर को खोलेंगे फिर लगाएंगे, पता नहीं और क्या क्या करेंगे. सो ये गाइस ड्रेन प्लग को खोलने का वक्त आ गया है. ऑलमोस्ट खोल गया है गाइस, ऑलमोस्ट. ये आ गया ऑयल सेलिनिया, हमारा सेलिनिया 5W40 सेमी सिंथेटिक ऑयल. सो ये काफ़ी सारा निकल गया, अभी भी निकल ही रहा है एंड अभी भी निकलने ही देंगे. उससे पहले हम कर लेते हैं ऑयल फिल्टर का काम. सबसे पहले इसका कवर खोल लेते हैं. आई थिंक इसमें 3 बोल्ट्स हैं या नट्स हैं, पता नहीं क्या है. ये आ गया कवर भार एंड अब ये ऑयल फिल्टर को भी खोल लें. स्पिन ऑन होता है गोल करके, ये टाइटली फिट होता है एकदम बढ़िया तरीके से. तो ये खुल ही गया ऑलमोस्ट. आ गया जी, आ गया ऑयल फिल्टर, आ गया आ गया. की भी हालत में अभी आपको दिखाता हूँ ये अंदर का हाल. एंड गाइस अभी जैक भी हटा दिया है एंड ये है ऑयल फिल्टर का हाल एकदम ब्लैक. ये अपना Motul 8100 X-cess. सो अब सबसे पहले नया ऑयल फिल्टर लगा लेते हैं. जैक हटा दिया है सो अभी भी ड्रेन हो ही रहा है नीचे से, जितना भी ऑयल निकलना है निकल जाए. सेलिनिया वैसे वो काफ़ी पतला हो चुका है सो आई थिंक काफ़ी हद तक वो निकल जाएगा. सो देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लशिंग. ये लगा दी है नई सील कवर पे एंड अभी लगा दे भाई इस पे ऑयल फिल्टर. उसके बाद कुछ नहीं, बस रिवर्स प्रोसेस चला के हमें इसे फिट करना, दैट्स अबाउट इट. ये पहले हाथ से जितना घूमता है घुमा देना एंड उसके बाद टूल्स तो है ही है ना. ये काम भी हो गया अपना बढ़िया एकदम टाइटली. बस अब इसके कवर की बारी है, कवर पे भी हम नट कस देंगे तो बढ़िया तरीके से वो टाइट हो जाएगा. हो गया टाइट फर्स्ट क्लास. सो अब एयर फिल्टर, ये देखो ब्रांड न्यू एयर फिल्टर की शक्ल देखो इसकी, कितना प्यारा लग रहा है ना. तो इसे अच्छी तरह से फिट कर देंगे, कार विल ब्रीथ इजी. सो अभी इसका कवर, बड़ा सिंपल प्रोसीजर है वैसे एयर फिल्टर को निकालना चेंज करना तो खैर बहुत ही ज़्यादा ईजी है. एंड गाइस ये गलती मेरे से ये हो गई है कि मैं एसी फिल्टर के बारे में बिल्कुल ही भूल गया था. सो अब उसे हम खुद ही करेंगे, मैं बता भी दूंगा कैसे करना है. सो ये लग गया अपना एयर फिल्टर. गाइस ये है ड्रेन प्लग, कंपनी से हर सर्विस में बदल देती है पर बदलने की ज़रूरत नहीं होती, बस इसकी सील चेक कर लेना. ये जो रबर की सील है इसके अंदर ये कई बार निकल जाती है. सो अभी ढूंढ के ऐसे वापस लगा दिया हमने, वहीं पर चिपकी हुई थी इंजन पे ही. सो इसे क्लीन कर दिया अच्छी तरह से. अब इसको पहले हैंड टाइटन कर देंगे एंड देन वी गोना क्लीन दैट अप. जितना भी एक्सेस ऑयल आसपास लगा होगा वो सब हटा देंगे एंड देन वी गोना टाइटन इट विद द रैचेट. बढ़िया तरीके से ये हो गया एकदम टाइट सेट एकदम बढ़िया ना. इसको भी क्लीन कर देंगे जितना हो जाएगा. एंड गाइस ये है ऑयल. सो मैंने सलमान भाई से पूछा था कि ऑयल की क्वालिटी कैसी है, कह रहा था कि इट्स ऑलमोस्ट डेड, अभी भी थोड़ा सा जान इसमें है. सो सेलिनिया इज़ प्रीटी गुड टू. ठीक है अभी खोल दिया हमने, अब Motul की बारी है, देखते हैं Motul कैसा परफॉर्म करेगा ओवर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. सी हमने निकाल लिया और ये भरना शुरू.
नए ऑयल की लुक ही कितनी अच्छी है ना, जबकि ये जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा तब तक तो खैर 50-100-200 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी होगी, अब तो ये बिल्कुल ब्लैक हो चुका होगा क्योंकि डीजल में सूट पार्टिकल्स मिल जाते हैं। सो ये हमने डाल दिया ऑयल, लेट्स चेक द डिपस्टिक, सेट टैकिनी क्लीन कर दी है एंड नाउ वी गोना चेक इट ऑयल का लेवल क्या है। चेक इट आउट यू गाइस, एग्जैक्टली एट द लेवल, बहुत ही बढ़िया गजब। बस आई थिंक हमारा सारे काम ख़त्म हो चुके हैं, अब कोई काम बचा नहीं है, इसके कवर्स को भी बंद कर देते हैं एंड इसके बाद तो कुछ भी नहीं बचा। एसी फिल्टर के बारे में मैं पूरा अच्छी तरह से भूल गया था एंड बाकी ये सारे ऑयल्स भी हमने चेक कर लिए थे, कूलेंट, पावर स्टीयरिंग ऑयल एंड ब्रेक ऑयल, सो एवरीथिंग इज़ एब्सोल्युटली फाइन। सो ये मैंने अपना बचा हुआ ऑयल वापस डिक्की में डाल दिया एंड ये डिक्की बंद। सो अब इंजन चालू करते हैं, देखते हैं क्या है। सारे वॉल्स चेक फिर से, एक बार जैक को उठा के देखे नीचे से कोई लीकेज तो नहीं एंड इंजन की आवाज़ मुझे एक्चुअली कम लग रही है पहले से। गाइस यू गाइस कैन सी दैट टू, देयर इज नो लीकेज एंड इंजन इज रनिंग, आपको आवाज़ तो आ ही रही होगी ऑब्वियसली। सो गाइस सारा कुछ काम जो भी यहाँ पे हमें करवाना था दैट इज फिनिश्ड एंड खर्चा तो मैं अभी आपको लिख के बता दूंगा कि कितना हुआ है मेरा एंड जो भी लिंक्स हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे। सो गाइस ऑलमोस्ट 15,000 किलोमीटर बाद सर्विस कराइए, खाली 569 किलोमीटर्स बचे थे। सो आई होप ये सलमान के पास ये इसको रीसेट करने का भी हो, आई होप सो, नहीं तो भैया को पकड़ेंगे, आशीष भैया को। गाइस अभी रीसेट तो हो नहीं पाया, सो हम किलोमीटर्स नोट कर लेते हैं। 52,471 पे हमने कराई है सर्विस, सो अब अगली सर्विस देखते हैं कब होती है। सो गाइस कार की हो गई है सर्विस, बहुत ही बढ़िया, और ये सलमान भाई हमारा, हमने सर्विस कराई है आर के मोटर्स मोती नगर में। सो कोई भी अगर आपको कॉन्टैक्ट करना हो तो भाई को कर लेना, नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। भाई आपने कुछ कहना है? आप आए एक दफा, हमें भी काम करने का मौका दीजिए। ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं हम बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर, सी यू, हैव फन।